ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसलिए योग हमें, योग का महत्व बहुत ही हमारे पुरुषार्थ के जीवन में, इसीलिए हर मुरली में बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, परमात्मा की याद। याद मतलब क्या? परमात्मा की याद मतलब बाबा बाबा बोलना, शिव 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 बोलना, ये याद नहीं। परमात्मा की याद अर्थात तो उसके श्रीमत प्रमाण चलना। योग तो कर रहे हैं लेकिन श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहे हैं, उसको परमात्मा भूल गए हैं, परमात्मा की याद नहीं है। परमात्मा को याद करना अर्थात उसके श्रीमत प्रमाण चलना, परमात्मा को याद करना अर्थात वो जो कहता है वैसे करना, परमात्मा को याद करना अर्थात उसके घर को याद करना, उसके सुने हुए ज्ञान को याद करना, उसकी दिव्य स्मृति के स्वरूप बनना, परमात्मा को याद करना अर्थात उससे शिक्षा प्रमाण चलना, इसको कहते याद। योग दो प्रकार का है, एक है कर्म का योग और दूसरा है बैठ करके योग, कर्म योग और बैठ करके योग। हमें ये दोनों भी कला सीखनी जरूरी है, बैठ करके योग करने की कला भी सीखनी है और कर्म में योग करने की भी कला सीखनी है। तेरे जैसा पालन हार बाबा तुझा और नहीं मिलना, और नहीं मिलना, जैसे भी तू रखेगा हो बाबा तेरी मर्जी।